खबर है जनपद कासगंज से। आपको बता दें, कासगंज जनपद दोनों तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव खरपरा में बीते शुक्रवार को नेफेड कंपनी नामा राजस्थान से आया नमक जो कि FCI गोदामगंज डुंडवारा और सहावर पर उतरना था, वहीं ट्रक ड्राइवर द्वारा वह ग्राम खरपरा में निजी गोदाम में उतारा जा रहा था। सूचना पर पूर्ति निरीक्षक पटियाली व पूर्ति निरीक्षक सहावर भी पहुंच गए। जिला अधिकारी के आदेश पर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर माल सुपुर्दगी की कार्रवाई कर शेष बोरियां भी निजी गोदाम में रखवा दी है। बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक तथा ट्रक ड्राइवर से लिखित रूप से अग्रिम कार्रवाई की। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अभी गोदाम प्रभारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रदेश भर में यही समस्या बनी हुई है। वही ट्रक ड्राइवर माल को उतार सकते हैं ऐसा आदेश है। ये बोरियां नेफेड से आई है पर गोदाम पर पहुंचने के बाद प्रभारियों की जिम्मेदारी होती है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मोहित वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राज। कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर। जो आज जो आप खरपरा पर जो नमक उतार रहे, क्या है पूरा मामला? जी हम 11 तारीख के यहाँ खड़े हुए थे, कोई पार्टी फोन उठाने गई थी जिसका माल आया यहाँ पर, ट्रांसपोर्टर से बात करी हमने, उनने बोला कि हम परेशान खड़े थे यहाँ, तो उनने कही किराए पे जगह लेके खाली करवा दो, जब उनको जरूरत पड़ेगी उनको सुरक्षित कर देंगे माल, इसलिए यहाँ पे जब ये खलवाया है। जब आप यहाँ पे जब गंडवारा में आए तो आपने इसकी जो नमक लेके आए इसकी किसी अधिकारी को आपने जवाब दिया? अधिकारी का वो जो इस पे लंबर हमारे पास है उनको फोन किया, उनने कोई ने फोन उठाया नहीं है, 4-5 दिन से परेशान खड़े हुए थे, इसलिए उनसे बात करी जिसने माल भरवाया, उनने कही किराए पे जगह लेके खाली करवा दो, हम उन्हें बाद में जब जरूरत पड़ेगी दे देंगे। हड़ताल चल रही है, कितने दिन हड़ताल चले क्या पता। किस जगह का माल है ये? दो जगह का माल है, सावर का और गंजोड़वाड़ा का, दोनों कोई सी पार्टी फोन उठाने रही है, बता रहे हैं किसमें माल रहा के खड़ा। खाली माल है जो नमक है वो आज प्राइवेट घर पर उतारा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है मार्केटिंग विंग के द्वारा, उसी कारण अभी ये नेफेड के द्वारा ये आपूर्ति दी जाती है, नेफेड ने अभी गोदाम पर नहीं भेजा है इस कारण, और सभी जगह ये समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जहाँ चाहे वहाँ उतार सकते हैं माल को अपना, ये किस किन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी? जिस जिले में जाता है तो अधिकारी जिम्मेदारी, अभी ये गोदाम पर ही नहीं गए, गोदाम पर ही नहीं गए, जब गोदाम पर ये रिसीट देंगे वहाँ पूरा ये पूरी मात्रा गिनने के बाद ही गोदाम प्रभारी लेता है, चूंकि गोदाम प्रभारी जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं वो सारे प्रदेश में हड़ताल पर हैं, इस कारण ये समस्या पूरे प्रदेश में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ स्वयं भौतिक निरीक्षण करने हम आए हैं, डिप्टी RMO साहब भी आए हैं। सर निरीक्षण में क्या पाया आपने, क्या लगता है ये सरकारी नमक बोलेंगे? सरकारी नमक की नेफेड एजेंसी होती है जिसके द्वारा नमक चना तेल जो है भिन्न भिन्न एजेंसियों के माध्यम से भेजा जाता है समस्त जिलों में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है।